बागलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ गंगा जहाज घाट पर स्नान के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। घटना भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर गंगा घाट की है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों के शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिए गए हैं। वहीं एक की तलाश जारी है। सभी मृतक बच्चे नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले थे। ऐसा क्या घटना हो गई है? सुबह मैं घर में सोया हुआ था तो पूर्णिया में, तो फोन आया अचानक भैया को कि आलोक डूब गया है। हम लोग फिर वहाँ से निकले तो आए फिर नवगछिया में, फिर वहाँ गए नारायणपुर। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे गोताखोर लोग निकाल रहा था। फिर वहाँ से निकाला गया, सबसे पहले आलोक निकला, उसके बाद फिर 2 और लड़का निकला। उसके बाद फिर वहाँ पे बगल में हॉस्पिटल था, उसमें ले जाया, लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं था, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं था। 2 लड़का का जान बचा हुआ था, सांस चल रहा था उसका, फिर भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं था। फिर 2 लड़का को वहाँ से लेके गया। कितने लोगों का ग्रुप था? 11। डूबने का क्रम कैसे शुरू हुआ ये चीज़ तो हमें पता नहीं, कहा कि वहाँ पे हम उपलब्ध नहीं थे। एक के बाद एक मौत पकड़ता है ना, जैसे कि हमको पता चला, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, जैसे कि हमको पता चला कि एक पहला डूबा उसको बचाने के लिए, फिर दूसरा गया उसको बचाने के लिए, फिर तीसरा गया उसको बचाने, फिर चौथा गया। आपका कौन है मृतक? मेरे भैया के साला हुए अपने। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल कुमार। बताया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर नवगछिया नया टोला गांव से 11 बच्चे गंगा स्नान के लिए मधुरापुर गंगा जहाज घाट आए थे। गहरे पानी में जाने की वजह से 10 बच्चे डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से 6 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। क्या कुछ घटना हुई है? तो हम लोग गए थे नारायणपुर, पता चला कि नया टोला का 4 आदमी डूब के मरा है। हम लोग गए तो सभी लाश को यहाँ पे लाए हैं। दिलीप गुप्ता का बेटा है सोनू कुमार, उसकी उम्र वही 16 साल, सबका करीब वही है। और क्या का नाम? एक का नाम है शिवम कुमार, एक का है आलोक कुमार, आलोक कुमार, और सोनू कुमार, सोनू कुमार। ये सब जल चढ़ाने के लिए गए थे मरवा, नारायणपुर में ये दुर्घटना हुई है स्नान करने के क्रम में। कितने लोग? 4 व्यक्ति डूबे, अभी 3 को लाए हैं अस्पताल, 1 आ रहा है पीछे से। मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार। फिलहाल घटना की सूचना पर भवानीपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार, अंचल अधिकारी विशाल अग्रवाल, आरओ समेत कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।